होय, क्या बात है। सुपर संडे विद एमजी स्टार्ट हो चुका है। आज थोड़ा लेट ही सही, लेकिन अब स्टार्ट हो चुका है। तुम सब काम अगर लाइव हो तो आ जाओ। अरे वाह यार, मुझे लगा कि ये क्लोज बटन थोड़ा अच्छा लग रहा था, पर इसे ना कुछ ज्यादा गर्मी लग रही है। अरे यार खुद तो बढ़िया है। कैसे हो तुम सब? लाइव आ जाओ। हेलो, रिया राजदेव कह रही हाय मोहित। हाय रिया राजदेव। हाय शुभम पाटनी। हाय मुकुल वर्मा। हेलो तास्मीन एमू। तास्मीन एमू कह रही बॉस। तास्मीन एमू, तस्नीम एमू कह रहे बॉस। हाय मार्गी जानी। हेलो प्रशस्ति पाठक। हेलो सैम सिद्दकी। हाय सृष्टि सिंह। वो कह रहे मिस यू, इतने दिन बाद दिखे। अरे नहीं यार, मैं तो हर संडे आ ही रहा हूँ लाइव। यो हेलो मनत सरान। हाय मानसी चौधरी। हाय सैम सिद्दकी। मेरे को आपका कमेंट दिख गया। इशिता राठौर, आपकी स्माइल और मुझे बहुत पसंद है, लव यू मोहित। अरे वाह यार, थैंक यू इशिता, थैंक यू यार, आई लव यू टू। सस्मिता टीके कह रही है लव यू। हेम शाह कह रही है आई लव यू सिंस रॉ स्टार। अच्छा सैम सिद्दीकी कह रहे हैं मेरा नाम ले लिया ये। अंजलि अग्रवाल कह रहे फाइनली यू केम लाइव, यू नो आई वॉज वेटिंग फॉर यू। हाय हाय अंजलि अग्रवाल, मैं खुद वेट कर रहा था यार लाइव आने का, पता है, और अभी आ गया, अच्छा लग रहा है। सुरभि धनवत कह रहे हैं हेलो यार, अब तो बोल दो हाय यार, मेरा हर बार मेरा हेलो एक वन साइडेड रह जाता है, ऐसा है क्या सुरभि? देखो आज बोल दिया। हिमांशु चिप्पा कह रहे हैं हाय बनाजी। बनाजी वाह, हमारे राजस्थान में बनाजी बड़ा मतलब फेमस है बनाजी तो। और एक पैराग्राफ भी लिखा था हमने चौधरी सॉन्ग पे, बांधे पगड़ी बनाजी मूछे मारे ताऊ, मूछे मारे ताऊ, चौड़ी छाती कर खड़े तो धूप लागे छाव, थर से डर ना लागे मुझको कह दो जी, घूंघट काड़े रे खड़ी था इसेरनी, कि मारे हिवड़ा में जागी धोकनी रे चंदा में थारी, चांदनी मन दामन में बांधी खुशे र झुम 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 पा झुम झुम झुम, ऐसे करके रॉ स्टार में गाया था ना 8th एपिसोड में ये सॉन्ग, उसमें ये लिरिक्स हमने लिखे थे मैंने और आकर्ष ने। एकदम बढ़िया यश नाई, आप कैसे हो? हितेशी सिंगोरी कह रहे मेरा नाम भूल गए। नहीं अभी दिखा हितेशी, और इसलिए अभी दिखा और अभी मैंने बताया। और मनत सरान पूछ रही कैसे हो आप? एकदम मस्त है मनत, आप कैसे हो? प्रशस्ति पाठक जस्ट शेयर्ड योर वीडियो, थैंक यू प्रशस्ति यार। प्रशस्ति पाठक भी कह रहे हैं लेट आने की क्या सजा दी जाए आपको आज। अरे बाप, सजा वजा भी देने का प्लान लग रहा है प्रशस्ति का, तो ऐसा मत करो यार। क्या सजा दोगे चलो बता दो, क्या हुकुम मेरे आका, बताओ क्या करूं तुम सबके लिए, कि मतलब लेट आने की मतलब सजा भी तुम दे दो और मुझे माफी भी मिल जाए। परों में बताओ जरा, अभी लाइव चैट के बीच में ही लोग कॉल कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कौन था। मार्गी जानी आप क्यूट दिख रहे हैं आज, ऐसा है क्या? थैंक यू यार मार्गी, मतलब बाकी बड़े अजीब से लोग हैं यार, लाइव चैट के बीच में कॉल कर रहे हैं, मतलब पता नहीं कौन है। मयंक जी, मयंक जी प्लीज ऐसा मत करो यार, परेशान कर दिया, मतलब हद है यार, लाइव चैट के बीच में कॉल कर रहे हैं, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, बोल रहे हैं कि लाइव चैट, भाई मेरा भी नाम ले लो लाइव चैट में। भाई की ऐसा मत करा करो यार, अच्छा नहीं लगता। पूजा सिंह, हम पूजा। सॉरी यार, मैं थोड़ा परेशान हो गया यार, एकदम बार बार से कौन कॉल करता है, क्या आदमी यार, छोड़ो ठीक है, कोई बात नहीं। यो अरुण राठौर, मेरे को तेरा सॉन्ग बहुत पसंद है भाई, कपकेक्स वाला। अरुण राठौर ने इतने मतलब मस्त अंदाज में कहा है मेरे को तेरा सॉन्ग बहुत पसंद है भाई कपकेक वाला। ये यहाँ पे मुंबई साइड बहुत मस्त चलती है लैंग्वेज इस तरह की। मानसी महाराणा कह रहे हैं हाय मोहित जी, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई सी यू। हाय मानसी महाराणा। महाराणा यार बड़ा मस्त नाम है आपका मानसी। और ऐसा नहीं यार, मैं तो कोशिश करता हूँ हर संडे लाइव चैट पर आने की, आप भी आ जाया करो। ज्योति 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 कह रही है हाय मोहित। ज्योति 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 अपने ना अपने लाइव चैट की एक बहुत ही रेगुलर मतलब कस्टमर है अपने इस लाइव चैट की दुकान की। और ज्योति 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 का नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है यार, कमाल का नाम है तुम्हारा ज्योति ज्योति ज्योति। रोहन सेट्टी भाई आपका मूछे मस्त है, ऐसा क्या, थैंक यू यार,
प्रीति अग्रवाल कह रही है आप कभी मेरे हाई का रिप्लाई नहीं करते, आज तो कर दो। अच्छा, स्वीकृति मिश्रा कह रही है हाय मोहित सर, यू आर टू क्यूट एंड स्वीट, आई लव यू सो मच, थैंक यू यार। हिमांशु पांडे एंड 3 जस्ट शेयर योर वीडियो, थैंक यू हिमांशु पांडे, और जितने भी लोगों ने वीडियो शेयर किया है उन सबको बहुत बहुत थैंक यू। अभी अभी चलो अभी देखो अभी मेरी मेरी तो बहुत सारी बातें हो गई, अब आज ना आज तुम सब अपनी अपनी बातें बताओ यार, तुम सब कैसे हो, क्या चल रहा है लाइफ में, मुझे ये बताओ, ठीक है। अभी अब तुम सबकी बारी है बातें करने की, तुम सबकी बारी बताने की कुछ, तो तुम सब बताओ। तो मुस्कान गोयल आप कितने स्वीट हो, ऐसा नहीं यार, मेरे को गुस्सा भी आता है अभी जैसे उस पर आया भाई पे। राहुल आरजे हाय भाई, हाय राहुल आरजे। अरुण राठौर कह रहे हैं भाई कपकेक वाला सॉन्ग, भाई कपकेक वाला सुना दे सॉन्ग, ऐसे ऐसा है क्या, कपकेक वाला तो यार मैं सुनाता ही रहता हूँ, कुछ और बोलो कुछ नया सा, इतना भी नया मत बोलना कि कहीं मेरे को पता ही नहीं हो, ऐसे भी यार सॉन्ग्स होते हैं सारे, तो देखो मैं याद कर नहीं पाता हूँ। और शुभम एस मोरे कह रहे हैं आई एम इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, हाउ आई रिप्रेजेंट माई स्किल्स इन फ्रंट ऑफ पीपल। अच्छा ऐसा है क्या भाई, पता नहीं, देख शुभम एस भाई, शुभम भाई अगर यू हैव इंटरेस्ट इन सिंगिंग तो आप बस यार गा दो, और मतलब ज़्यादा सोचने का नहीं, सुर ताल ये सब गाना तो मतलब एक वे है खुद को एक्सप्रेस करने का, खुद के इमोशंस को जो भी आप फील करते हो, अगर वो गाना उस टाइम आपके राइट इमोशंस को पोर्ट्रे कर रहा है, आप जो भी फील कर रहे हो या फील उस टाइम नहीं भी कर रहे हो तो गाने के साथ में वो आप चीज़ फील करने लग जाते हो, तो आई थिंक म्यूजिक एंड सिंगिंग इज जस्ट अ वे टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, तो और कुछ नहीं है। सुर ताल मेरे लिए मैं बता रहा हूँ, सुर ताल सब बाद में आता है, सबसे पहले कि आप क्या वो इमोशन एक्सप्रेस कर पा रहे हो जो आप चाहते हो। तो अगर मेरे से पूछो तो मैं तो ये कहूँगा कि सिंगिंग तो वे ऑफ एक्सप्रेशन है खुद का, और आप कैसे करोगे ये तो मतलब बस कर दो, ऐसे ही हो जाता है, जैसे बोलते हो ना, बोलते हो बात करते हो अपने अपनी दिल की बात बताते हो, वैसे गाते हुए बता दो बस दिल की बात, इतना बस, ऐसे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल प्यारा सा। सयोनी की खोज कह रही है बंगाली सॉन्ग प्लीज, ऐसा है क्या, कि कोरे तो के बोल बो तुई के अमा आए ना साथ चलबो सब पार पार, इतना ही आता है मुझे, मतलब इससे ज्यादा भी आता है, मैं सूरज विश्वास भैया है अपने बहुत प्यारे से, उनसे सीखा था ये बंगाली का, ये मतलब ये बंगाली सॉन्ग में मतलब ये वर्जन उनका अरिजीत ने गाया और बहुत पसंद है मुझे। पल्लवी सिंह कह रहे हैं मे माय 2017 इज सुपर्ब, आई एम डैम हैप्पी बिकॉज समवन स्पेशल केम इन माय लाइफ, दैट्स व्हाई माय लाइफ इज गोइंग ऑन, लव 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 लव, आई विश इट शुड बी द सेम। अच्छा उन्होंने अपने बारे में बताया कि उनकी लाइफ 2017 से बहुत अमेजिंग गई है, क्योंकि लाइफ में बहुत ही कोई स्पेशल पर्सन आ गए हैं, आ गई हैं या आ गए हैं, कुछ भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, जरूर थोड़ा ना कि लवर ही हो, पर जो भी हो बहुत खुश है, तो ये तो बहुत ही अमेजिंग बात बताई तुमने यार दोस्त, मजा आ गया पल्लवी ये बात सुन के। प्लीज अपनी अपनी बातें बताओ, ऐसे जो भी तुम्हारे दिल में कुछ भी तुम कहना चाहते हो ना बिंदास कह डालो आज, ठीक है, जो भी कुछ भी कहना चाहते हो यार, बुरा भला कुछ नहीं होता, जो भी तुम्हारे दिल के अंदर होता है वो होता है, तो बोलो बिंदास बोलो अपन से, तुम मुझसे ना सारी तरह की बातें कर सकते हो, हाँ सारी तरह की, ज्यादा सोचो मतलब, ठीक है ना, बोल डालो जो भी बोलना है। तुषार चौहान कह रहे हैं भाई आपके लिए कपकेक में मेरी वॉइस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड डन होने के बाद आपको सेंड करूंगा, आई होप यू लाइक इट, बिल्कुल प्लीज प्लीज सेंड करना ब्रो। अही प्रवीण कह रहे हैं मजामा, तानिया गिरी कह रहे हैं मेरे चश्मे के नंबर कम हो गया, अभी बिना चश्मे के पढ़ सकती हूँ, मोबाइल यूज कर सकती हूँ। अरे कैसे तानिया, तूने ऐसी क्या ट्रिक इस्तेमाल करी जिससे तेरे चश्मे का नंबर कम हो गया, अरे तो बहुत मस्त बात है, मैं सोच रहा था कि मतलब मेडिटेशन योग से हो सकता है ऐसा, तूने कैसे किया ये जरूर बताना, इंटरेस्टिंग होगा जानना यार, कि अब तक किसी को हेल्प कर जाए ट्रिक तेरी। निकिता गुहे ज्योति 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 तुम मेरे हो इस पल मेरे हो कल शायद ये आलम ना रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो कुछ ऐसा हो हम ना रहे, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा मैं फिर भी तुमको
चाहूंगा इस राना हो जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। ये गाना मैंने ज्यादा बार नहीं सुना, पर ये जितनी बार भी सुना है बहुत बहुत प्यारा लगता है मुझे ये सॉन्ग यार। अनम परवीन कह रहे हैं यू हैव सेट की सरप्राइज रिलेटेड है टू योर कमिंग सॉन्ग, एक सरप्राइज है। बिल्कुल, मैंने आज एक पोस्ट करी थी जिसमें मैंने तुम सबको बताया था कि एक सरप्राइज है अपने सॉन्ग से रिलेटेड, और वो आने वाला सॉन्ग जल्दी आने वाला है। उसकी स्टोरी मैं नेक्स्ट संडे के लाइव चैट में, आज क्या है, आज संडे, मैं नेक्स्ट लाइव चैट, जरूरी नहीं हो संडे को, वो जरूर हो सकता है कल हो, परसों हो, तरसों हो, कभी भी हो सकती है। तो वो लाइव चैट जब भी होगी, नेक्स्ट लाइव चैट में मैं तुम्हें जो अपना नेक्स्ट सरप्राइज सॉन्ग है, मतलब गाना तू गाले से पहले का, ये मान लो ये गाना तू गाले से पहले का एक अमेजिंग सा सॉन्ग है जो तुम्हें बहुत पसंद आने वाला है। मैं तुम्हें पहले ही बोल देता हूँ, मैं कई बार तुमसे कहता हूँ कि आई होप तुम्हें पसंद आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है सॉन्ग के साथ में। इस सॉन्ग के साथ सबसे कमाल की बात है कि तुमको पसंद आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैं कह रहा हूँ एकदम, मतलब मैं जब कोई चीज़ ऐसे कहता हूँ तो ऐसा मतलब कि मतलब वो होगी, मतलब यार बहुत बहुत प्यारा गाना है ये, और एक बहुत ही स्पेशल पर्सन पर बना है, और जिसकी स्टोरी मैं नेक्स्ट लाइव चैट में तुम सबको सुनाऊंगा कि इस सॉन्ग की स्टोरी क्या है। सॉन्ग की एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है, वो स्टोरी के लिए तुम्हें नेक्स्ट लाइव चैट में आना पड़ेगा। तो उसका अपडेट मैं तुम सबको ज़रूर दूंगा, मैं कोई पोस्ट कर दूंगा तुमको पहले ही बता दूंगा कि आज ये लाइव चैट होने वाली है जिसमें उस नेक्स्ट सरप्राइज सॉन्ग की, उस नेक्स्ट सरप्राइज स्टोरी सॉन्ग की स्टोरी रिवील होने वाली है। तो मस्त रेडी हो जाओ, बहुत सारी मस्त मस्त चीज़ें आने वाली हैं। तो शिवानी गॉड कह रही है टुडे इज माय बर्थडे, प्लीज विश मी, इट विल बी माय बिगेस्ट गिफ्ट। ऐसा है क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शिवानी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तानियागिरी कह रही है पॉजिटिव अफर्मेशन के थ्रू किया मैंने। पॉजिटिव अफर्मेशन तो एक बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है तानिया, एंड मैंने भी इसका यूज़ किया था अराउंड 10 ईयर्स पहले कुछ चीज़ों को लेकर, और उनसे वो चीज़ें ज़रूर हुई थी मेरे साथ में। तो और बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक है, अगर आप सब भी मतलब पॉजिटिव अफर्मेशन के बारे में आप पढ़ सकते हो, नेट पे सर्च कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है और वाकई बहुत हेल्प करती है। तानिया बता रही है इससे उनके मतलब जो आई साइट जो वीक थी थोड़ी वो भी ठीक हो गई, अब वो बिना चश्मे के पढ़ भी सकती है, मोबाइल भी यूज़ कर सकती हैं। तो बहुत ही अमेजिंग सी बात है यार तानिया, गुड यार कि तुमने शेयर किया, अभी और लोगों को भी हेल्प कर सकता है। रुको ना, अपनी क्या बैटरी कम हो रही है भाई फोन की, एक मिनट रुक जाओ यार, मैं चार्जिंग पे लगा देता हूँ। वो क्या, मैं जस्ट अभी बाहर से ही आया था ना, तो चार्जिंग पे लगा नहीं पाया मैं, मतलब बैटरी कम ही थी ऑलरेडी। अरे यार आज एक गाना सुनाओ तुमको, तुम सबको, मेरे को बहुत पसंद है गाना। अरे यार ये चार्ज हो रहा ही नहीं हो रहा। ओके वेट प्लीज। आई थिंक अब चार्ज हो रहा है, हो जाए यार चार्ज ना, हो रहा है ठीक है। तो ये गाना ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं तुमको सुनाता हूँ, ये मोहित चौहान का सॉन्ग है। जरा नजर उठा के देखो बैठे हैं हम यहीं, बेखबर मुझसे क्यों हो, इतने बुरे भी हम नहीं, जमाने की बातों में उलझो ना, है ये आसान जानना, मुझसे अगर तुम पूछो है हम तुम्हारे के नहीं, तेरी आंखों का जादू पूरी दुनिया में है, दुनिया की इस भीड़ में सबसे पीछे हम खड़े, सबसे पीछे हम खड़े, जरा नजर उठा के देखो ऐसे। मस्त ना, ये मेरे को बहुत पसंद है सॉन्ग मोहित चौहान का, सिल्क रूट का। यार आपके वाले तो थक करो अच्छे नहीं लगे थे,
क्या बोलने समझ में नहीं आता मुझे, कुछ बोला उन्होंने, आप एक वापस से बोलेंगे प्लीज। यश नाई, उन्नीति सक्सेना आपका नाम सुना सुना है, मोहित चौहान हो क्या? नहीं 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 यार उन्नीति, मेरा नाम मोहित गौड़ है और मैं मोहित चौहान का बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे बहुत पसंद है मोहित चौहान का म्यूजिक। राहुल कुमार कह रहे हैं फिर मुझे दिल से पुकार तू है? कश्ती में पतवार तू, आले चल सुपार तू, तेरे जैसा मैं बन जाऊंगा, हाले हाले थोड़ा सा सुधार तू। मस्त है गाना। और अर्चना देशपांडे कह रहे हाय मोहित, शायद वो अभी अभी आई हैं लाइव चैट में। निकिता को कह रहे योर वॉइस लव यू, अरे आई लव यू टू निकिता यार, थैंक यू। ओमकार ठाकुर कह रहे भाई यू आर अ सो क्यूट सिंगर हैविंग लवेबल वॉइस, आई एम अ सिंगर टू, प्लीज गिव मी सम इंस्पिरेशन फ्रॉम योर साइड। ऐसा है क्या ओमकार भाई, इंस्पायर तो देख पता नहीं यार, बस ऐसा है कि मतलब बस गा दे एकदम बिंदास हो गए गाने के लिए, कोई टिप्स विप्स की मतलब पता नहीं यार, ज़्यादा जरूरत जितनी मतलब पढ़े कम भी लगती है और नहीं हो तो भी चलता है, मतलब जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ, गाना तो गा ले जो दिल में है ना, बस उसको एक्सप्रेस करने का। सिंगिंग मेरे हिसाब से सबसे बेसिक अगर जाओ तो वो बस वो फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, जो तुम जो भी तुम फील करते हो, उसे तुम कभी सैड हो तो कोई सैड सॉन्ग गा के उसको उस इमोशन को लेट आउट कर सकते हो, कोई हैप्पी हो कभी तो उस हैप्पी सॉन्ग को गा के कुछ बना के हैप्पी सी कुछ धुन गुनगुना के या क्रिएट करके म्यूजिक तुम उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। तो एवरी आर्ट फॉर्म इज जस्ट एन एक्सप्रेशन, मतलब मेरे हिसाब से कि कैसे तुम उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो, डांस के थ्रू, लिखने के थ्रू, एक्ट के थ्रू, किसी भी तरह के आर्ट फॉर्म के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू। तो सिंगिंग भी ऐसी है ज़्यादा इसमें मेरे, मैं तो टिप्स देने लायक नहीं हूँ आदमी यार, मैं इससे तो बस ये बता सकता हूँ कि एक्सप्रेस करो खुद को, बस जो भी दिल में हो ना वो मतलब जैसे बोलकर तुम किसी को बताते हो कभी अपनी दिल की बात, ऐसे गाकर बता दो कि आज क्या फील कर, कि जैसे आज मैं क्या फील कर रहा हूँ अगर मुझसे पूछो ना। चलो एक गेम खेलें छोटा सा है जब तक अपन सब साथ में है, कि मैंने बताई बात ऐसी मेरे दिमाग में क्लिक हुई, अगर तुमको आज का जो अपना मूड है, ठीक है अपन सब ये बात तो करते रहते हैं, मैं ऐसे एकदम से दिमाग में क्लिक हुआ एक गेम, तो गेम है कि आज का जो तुम्हारा मूड है, जो भी तुम अभी इस टाइम एट दिस मोमेंट फील कर रहे हो अपने अंदर, उसको अगर तुम्हें किसी एक पर्टिकुलर सॉन्ग से एक्सप्रेस करना हो तो वो कौन सा सॉन्ग होगा, तो तुम ये बताओ। ठीक है मैं बताऊंगा कि मैं अभी जो भी फील कर रहा हूँ उसमें मेरे को क्या क्या फील हो रहा है, मतलब मैं जो भी अभी अंदर फील कर रहा हूँ ना उसको सबसे बेस्ट सॉन्ग क्या उसके लिए हो सकता है, या मैं जो भी अभी फील कर रहा हूँ अपने अंदर, जो भी मेरे को फील आ रही है, जो भी मैं महसूस कर रहा हूँ, उसको मैं कौन से सॉन्ग के थ्रू बेटर एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ठीक है ऐसा गेम खेलें, तो चलो पहले मैं बताता हूँ उसके बाद में तुम सबकी बारी। तो मैं अगर अभी मेरे अंदर क्या फील हो रहा है मैं उसको एक्सप्रेस करूँ तो वो होगा कभी कभी अदिति जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी अदिति वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है, ऐसे में कोई कैसे अब कैसे मुस्कुराए, कैसे हंसते खुश होके और कैसे कोई सोचते एवरीथिंग्स गोना बी ओके। तो ऐसा सा कुछ है मतलब आज मेरा कि सोच जरा जाने जाना तुझको हम कितना चाहते हैं, रोते अगर तेरी आंखों में जब भी आंसू आते हैं, गाना नहीं आता लेकिन हम फिर भी गाते हैं, ते अदिति वो जो बिछड़ जाते हैं एक दिन फिर मिल जाते हैं, कि अदिति जान तू या जानना होठ फिर खिल जाते हैं, कि अदिति हंस दे हंस दे हंस दे हंस दे हंस दे हंस दे तू जरा, नहीं तो बस थोड़ा 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 मुस्कुरा। तो अभी मेरे को तो ऐसी ऐसी कुछ फीलिंग है मेरे अंदर, और अभी इसी गेम को चालू करते हुए मुझे ना बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ बताए। प्रियंका रावल कह रहे हैं कि फिर मुझे दिल से पुकार तो टाइप फीलिंग आ रही है उनको। अभय चौहान कह रहे हैं हैंगओवर सॉन्ग है उनके माइंड में अभी, उनको क्या फील हो रहा है हैंगओवर ये है क्या। यश नहीं कह रहे मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, अच्छा यश नहीं किसको चाहने की बात कर रहे हो तुम बताना जरा उसका नाम क्या है। अंजलि अग्रवाल कह रहे हैं इंस्टा पे लाइव आओगे, अंजलि पता नहीं यार मेरे को अगर टाइम मिल पाए तो जरूर आऊंगा मैं कोशिश करूंगा। पवन सोलंकी कह रहे हैं उनका मूड आज कुछ ऐसा है कि गजब का है ये दिन सोचो जरा, वाह क्या
प्यारा मूड है तुम्हारा पवन सोलंकी, मतलब मजा आ गया। तो अभी क्या, जो अभी अभी लाइव आए हैं ना उनको मैं बता रहा हूँ कि आज हम सब मिलकर एक गेम खेल रहे हैं। अलग सा कुछ एकदम से क्लिक हुआ मेरे दिमाग में वो गेम, कि अगर तुमको आज इस मोमेंट ऑफ टाइम पे, इस मोमेंट पे जो भी तुम फील कर रहे हो, अगर तुम्हें उसे किसी एक पर्टिकुलर सॉन्ग से एक्सप्रेस करना हो तो वो कौन सा सॉन्ग होगा। मुस्कान गोयल कहने तुझे देखा तो ये जाना सनम, ओहो क्या बात है। आकाश पांडे एंड 20th जस्ट शेयर योर वीडियो, थैंक यू आकाश पांडे भाई वीडियो शेयर करने के लिए। और जिन भी लोगों ने वीडियो शेयर किया है, कमेंट किया है, देख रहे हैं लाइव चैट का पार्ट, उन सबको बहुत बहुत थैंक यू है जी। मस्त ताबिया तास्फिया के इंस्पिरेशन पर्सनल, ये कौन सा सॉन्ग है ताबिया है, मुझे नहीं पता इस सॉन्ग के बारे में, ये तारीफ थी या सॉन्ग था मुझे समझाओ जरा। ज्योति ज्योति कहने सानू एक पल चैन नावे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। उनका गौरव कह रहे तुझे याद कर लिया है आयत की तरह कायम तू हो गई है, आयत की तरह। आयुष गुप्ता कह रहे उनको फील हो रही है गलत फहमिया, अरे बाप रे आयुष ये तो मतलब खतरनाक वाली फील है भाई, ये तो बहुत डेंजरस फील है। युवराज सिंह राजपूत कह रहे बैंड बाजा बारा, बैंड बाजा बारा, उनको ये फील हो रहा है कि वो भी शादी में है, राजस्थान में किसी शादी में है क्या। करेक्ट, मतलब युवराज तुम्हारे तो मतलब एकदम, तुम्हें एक्सप्लेन भी कर देगी बैंड बाजा बारात सॉन्ग क्यों तुम्हारे भी फील पर जा रहा है। मानसी महराना कह रही है, महाराना कह रही है कि इतना सोना क्यों रब ने बनाया, वाह। मीनाक्षी राजपूत के मोहित तुम क्यूटी हो यार, और गाते हुए तो हद से ज्यादा क्यूट लगते हो, ऐसा क्या, थैंक यू यार। उन्नति सक्सेना कह रही है लैला मैं लैला ऐसी हूँ लैला, और तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, मतलब उनका एकदम क्या आइटम टाइप फील आ रहा है, एकदम डांस करने वाला कि अभी तो मतलब गर्दा उड़ा ही देंगे हम, ऐसे बोलते थे हमारे मोहनवा, लॉलीपॉप मोहनवा थे हमारे रॉ स्टार में। पूनम गुप्ता कह रही है एवरीथिंग इज गोना बी ऑल राइट, उनका ये मूड चल रहा है ये, नाइस नाइस। संजना शर्मा कुछ तो है तुझसे राबता, वाह खूबसूरत रोमांटिक सा मूड है संजना शर्मा तुम्हारा, एकदम प्यारा, मुझे गाना बहुत पसंद है। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। शिखा वाजपेयी कह रही है ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं है। शिखा वाजपेयी इसका मतलब क्या, कुछ सैड वैड हो गया यार शिखा, बताओ क्या हुआ तुम्हें, है ऐसा क्यों कह रही हूँ, कुछ है तो शेयर कर देना, यहाँ नहीं बोल पा तो कोई दिक्कत नहीं, मैसेज में इनबॉक्स कर देना, अपने दोस्त लोग सैड अच्छे नहीं लगते यार, सैड सैड नहीं यार ऐसा कुछ नहीं, अपन है ना तुम्हारे सारे दोस्तों, एक एक्स्ट्रा दोस्त मेरे को हमेशा काउंट करना अपनी लाइफ में, ठीक है ना। तानिया गिरी गिरी हम सफर टाइप मूड है आज उनका, वाह। राकेश चौधरी रुके नैना, वाह। मन्नत सरान फिर मुझे दिल से पुकार तू, अरे यार क्या बात है। याशिका सैनी कह रही है आज मैं ऊपर आसमान से, बड़ा इंटरेस्टिंग सा मूड है। अरे यार तो अभी जो भी लाइव चैट में जस्ट ज्वाइन हुए ना नए नए, उनको बताना चाहता हूँ कि आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सा गेम खेल रहे हैं, कि तुम्हारा जो भी मूड है ना, जो भी अभी इस टाइम का, इस मोमेंट का जो भी तुम्हारा मूड है, कि जिससे तुम अपने अंदर को सबसे ज्यादा एक्सप्रेस कर सकते हो, मतलब जो भी अंदर फील कर रहे हो उसको सबसे ज्यादा एक्सप्रेस कर सकते हो, उसको आज गाने के थ्रू बोल डालो, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या कंफ्यूज कर देना तुमको, सिंपल है यार, जो भी अंदर फील कर रहे हो उसको किस सॉन्ग से सबसे ज्यादा बेस्ट तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो तुम बता दो, आज आज बोल डालो, मतलब अभी क्या फील कर रहे हो, मतलब फील करना मतलब गाना गाना गा दो उसके लिए, कोई सा भी बोलते तो हैं, बोलकर फील करते हैं, बोलकर एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, टीचर की तरह बोल रहा हूँ मैं, एक आर्ट के थ्रू, एक बोलने के थ्रू, एक कुछ कर कर दिखाना, और ऐसा दो क्या, तुम तो गाओ यार मस्त। ताबिया तस्वीर कह रहे मिले हो तुम हमको, ये उनका फील है। नील पटेल कह रहे हैं जीने के हैं चार दिन,
प्रशस्ति बड़े कर रहे हैं, सुनो आप पहले पल्ली चौहान को लव यू बोलो, वो कब से आपको सजा दे रही है, आप ले नहीं रहे सजा, गलत बात है एमजी, ऐसा है क्या? आई लव यू पल्लवी चौहान, ऐसा है क्या? मैं पढ़ नहीं पाया उनका यार, मैं पढ़ नहीं पाया उनका कमेंट प्रशस्ति। प्रशस्ति कह रही है उनका लाल इश्क मूड है, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये इश्क, ये बैर इश्क। कि तुझ संग बैर लगाया ऐसा रहा ना फिर मैं अपने जैसा। प्रीति अग्रवाल कह रही है उनका मूड है काला चश्मा। अमिनाथ मुनी कह रहे हैं आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर जीने का इरादा है, उनका ये मूड है आज। और ओमकार ठाकुर कह रहे हैं आज जाने की जिद ना करो, उनका मूड है। वाह यार। निकिता अग्रवाल कह रहे हैं उनका मूड है उड़ी उड़ी जाए। आशिता महाजन कह रही है Unloved the shape of you, उनका ये मूड है। टुंग 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 टुंग, मुझे बहुत पसंद है सॉन्ग। अंकित अनिरावत कह रहे तू जाने ना, उनका मूड है तू जाने ना। ख्याति शर्मा कह रही आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड आज मैं ऊपर आसमान नीचे, उनका भी ऐसा ही है। दीपक अग्रवाल का मूड है दिल है कि मानता नहीं। रूबी मुराका का मूड है आज ब्लू है पानी पानी। सोनाक्षी जुल्का का मूड है क्यूटी पाई। अंकित अनिका वापस आया है, जन्म जन्म मूड है आज का, मूड चेंज हो रहा है, मतलब मूड इंसान है अंकित अनी रावत, बहुत ही गजब बात है। तो ऋषिकेश कह रहे हैं हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, उनका ये मूड है आज। वाह यार, अरे यार मस्त मजा आ गया। अंजलि अग्रवाल कह रही है बीमा वैलेंटाइन सुना दो यार, ऐसा है क्या? जब गहरी रात होगी आऊंगा घर पे तेरे, पिक करके तुझको बेबी ले जाऊंगा चांद पार, बाहों में बाहें डाले फोटो फिर यूं खींचेंगे, डीपी तेरे साथ देख लड़के जलेंगे हजार, तू वायरल ट्रेंडिंग टॉपिक तो मैं हैशटैग हूं ना यार, तेरे बिन मैं मेरे बिन तू दोनों ही है बेकार, Now without wasting any more time let me get to money, हाँ मेरे पास नहीं है कोई महंगा गिफ्ट ना है कोई डायमंड रिंग। But excuse me miss, I can sing, be my baby, be my Valentine. अपना गाना है ना ये मस्त। तो अभी ना अभी टाइम है अपन सबके जाने का, बड़ा मजा आया। लेकिन यार तुम सबसे आज बात करके, आज मतलब तुमने अलग तरीके से एक्सप्रेस किया खुद को गाने के थ्रू, गाना तू गाले बढ़िया यार। दीपक सिंह कह रहे हैं ब्रो गर्लफ्रेंड के लिए कोई मस्त सॉन्ग सुना दो, सॉन्ग गा दो। अच्छा उनकी गर्लफ्रेंड के लिए भी अब मतलब वो गाना पड़ेगा, ठीक है गाता हूँ क्या गाऊं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए दीपक, मैं क्या गाऊं? कुछ ऐसा जो, रुको सोच रहा हूं। कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी, कहीं तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। ठीक है तो अभी ना तुम सब अपना ध्यान रखो, और जाने से पहले अपना जो फेमस वर्ड है, तीन वर्ड का अपना सेंटेंस है प्यारा सा, वो बोल दो यार। फिर नेक्स्ट संडे फिर से मिलना है,
नेक्स्ट संडे से पहले तो अभी नेक्स्ट लाइव चैट का मुझे वेट है, जब मैं तुमको अपने सरप्राइज सॉन्ग की स्टोरी रिवील करूंगा और फिर जल्दी अपना सरप्राइज सॉन्ग भी, फिर गाना तो गाले भी आने ही वाला है। तो अभी बस मेरी जाने मनो टाइम है जाने का, जाने मनो टाइम है जाने का, जाने का जाने मनो। यार ये जाने जाने बहुत सही है, अच्छा लग रहा है, इसको ओपन टाइटल मान सकते, एक और हैशटैग नया, कैसा कि जाने का टाइम है जाने मनो। वाह, तो अब है जाने का टाइम जाने मनो। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई ऑलवेज डू। तो तुम सब अभी ध्यान रखो और नेक्स्ट संडे ज़रूर मिल रहे हैं, नेक्स्ट संडे फिर से मिल रहे हैं। जितने भी लोगों ने वीडियो शेयर किया उनको थैंक यू, कमेंट किया, लाइव चैट पर आया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू यार। और नेक्स्ट संडे तो ज़रूर मिलेंगे अपन सब। और उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करूँगा मेजर, जब मैं तुम्हें स्टोरी रिवील करूँगा अपने नेक्स्ट सरप्राइज सॉन्ग की। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू।